कर्म तेरे अच्छे होंगे तो किस्मत तेरी दासी होगी, नियत तेरी अच्छी होगी तो घर में ही तुम्हारे मथुरा और काशी होगी। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आ गया हूं मैं नवंबर माह का तुला राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा ग्रह का चाल किस ओर आपको लेकर के जाएगा, किस क्षेत्र में आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्या रहेगा आपका दाम्पत्य, क्या रहेगा संपत्ति, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रकार के क्षेत्र वालों के लिए अच्छे रास्ते प्रारंभ होंगे, और साथ में अगर ग्रहों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। यह संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं तुला राशि वाले आपके लिए प्रस्तुत हो चुका हूं। हमारी भविष्यवाणी जो रहेगी यह लग्न और चंद्र राशि दोनों पे रहेगी, अतः अगर आपका लग्न है तो आप तुला लग्न से ही देखें और राशि है तो आप राशि से ही देखें, दोनों ही सटीक बैठेगी। तो चलिए तुला राशि वाले नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल बताने से पहले चर्चा करते हैं कि ग्रहों का वो चाल जो परिवर्तित हो रहा है जिसका प्रभाव आपके ऊपर अत्यधिक पड़ता है। तुला राशि वाले 16 नवंबर को सूर्य जो है यह अपनी नीच की राशि तुला को छोड़कर, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं, तो यह चला जाएगा वृश्चिक राशि में, जो उसके मंगल की राशि यानी मंगल की राशि, यह बहुत शुभ संकेत है। 13 नवंबर से मंगल मार्गी हो जाएंगे, मंगल मीन राशि में वक्री चल रहे हैं जो कुछ चीजों के लिए आपका ठीक नहीं था, उसकी चर्चा मैं करूंगा आगे। 17 नवंबर से शुक्र जो है वह जो है अपनी नीच की राशि को छोड़ करके, क्योंकि कन्या राशि में नीच के चल रहे हैं, तुला राशि यानी अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, और आपकी तुला लग्न तुला राशि भी है, यानी यह महीना बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। और 20 नवंबर से बृहस्पति शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे और नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, जो भी एक शुभ संकेत है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कर्म क्षेत्र की ओर, क्या है आपका। सबसे पहला बात मैं करूं तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा है, शनि उसको दृष्टि डाल रहा है, शनि अपनी राशि का है, यानी पूरे महीने शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो जो व्यक्ति कोयला से रिलेटेड व्यवसाय में है, लोहा से रिलेटेड व्यवसाय में है, वाहन से रिलेटेड व्यवसाय में है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय में है, आपके लिए तो बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत यह प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आय स्थान का सूर्य जो है नीच का है, तो 16 नवंबर तक जो है जो व्यक्ति गवर्नमेंट के क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कागज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर कांच संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए स्ट्रगल और संघर्ष रहेगा। यानी 16 नवंबर के बाद जो है तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले, आपका सरकारी कर्म क्षेत्र, प्रशासनिक कर्म क्षेत्र और इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे योग बनने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य चला जाएगा वृश्चिक राशि में। बुध की स्थिति बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है वह सूर्य के साथ विराजमान है, तो फिलहाल वह बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करके रखा है, लेकिन 17 नवंबर से शुक्र जो है चले जाएंगे बुध के साथ, तो यह लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसके बाद देखिए क्या बेनिफिट होगा, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उनका तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि 16 नवंबर तक इन सभी क्षेत्रों के लिए संघर्षकारी लाइफ रहने वाला है। मैं ये नहीं बोलता कि संघर्षकारी पूरा रहेगा, क्योंकि बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन राज्य की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन जब शुक्र पूर्ण बली हो जाएंगे तो इसके फल में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब शुक्र क्या है, जो व्यक्ति सीए, सीएस, फाइनेंस रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, खाने पीने से कर्म क्षेत्र में, यानी फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष शुभ और लाभ के योग प्राप्त होने लगेंगे। अब यहां पे देखिए बृहस्पति की बात करना अत्यंत आवश्यक है, बृहस्पति 20 नवंबर तक धनु राशि में स्वतंत्र हैं, तो जो सरकारी ठेका वगैरह से काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, विद्यालय, शिक्षण संस्थान, इन सभी क्षेत्रों में है, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 20 नवंबर के बाद का भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा तुला राशि वाले, क्योंकि 20 नवंबर के बाद
बृहस्पति नीच के होंगे फिर भी समय शुभ रहेगा, वो नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगा, नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब देखिए 13 नवंबर से मंगल मार्गी हो जाएंगे, तो मंगल इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि बिना मंगल का आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अग्निशामक कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, इसके अलावा ठेकेदारी से रिलेटेड है, जो स्पोर्ट्स के लाइन में है, क्रिकेट के लाइन में है, जो जिम चला रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, 13 नवंबर के बाद आपके भी जीवन के रास्ते बहुत ही अच्छे प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी देखना है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेडिंग से कर्म क्षेत्र में है या लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उसके लिए राहु का प्रबल होना और मंगल का प्रबल होना, बुध का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। तो 16 नवंबर के बाद आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता की प्राप्ति मिलने लगेगी। देखिए धन की बात अगर हम करना चाहे और आय की बात अगर हम करना चाहे, तो अभी देखिए आय का मालिक आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो नीच के है, धन का मालिक मंगल जो है वह वक्री अवस्था में है। तो इन दिनों क्या कर रहा है, इनकम से ज्यादा खर्च हो रहे हैं और कर्ज के युग की स्थितियां बढ़ रही हैं। तो जैसे ही 17 नवंबर को शुक्र जो है वह स्थान से लग्न में विराजमान हो जाएंगे और इसके बाद फिर जो है सूर्य जो है 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो आपको धन के आयाम प्रारंभ हो जाएंगे, इनकम के आयाम प्रारंभ हो जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने लगेगी जो अभी तक रुकी हुई है, उच्च प्रकार के मित्रों से संपर्क होंगे, नए नए नौकरी में बॉसेस जो है उन लोगों से पदोन्नति या प्रमोशन के योग बनने लगेंगे, तालमेल अच्छे होने लगेंगे। नौकरी में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, तो वह समस्या जो है आपके 16 नवंबर के बाद नौकरी में परिवर्तन के बाद आपको खुद ब खुद दूसरा नौकरी का या खुद ब खुद नया व्यापार के योग भी प्रारंभ हो जाएंगे। और 13 नवंबर से जब मंगल जो है मार्गी हो जाएंगे, तो जिनके पार्टनरशिपिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, जिनको कर्ज के योग बढ़ रहे हैं और इनकम के योग कमजोर हो रहे हैं, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। और 13 नवंबर से जो है जो शुक्र मंगल जब मार्गी हो जाएंगे, तो कर्ज के योग के समाप्ति के साथ आपको कोई बड़ा व्यवसाय चलाने के लिए अत्यधिक लोन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। बहुत दिनों से बैंक वगैरह में आप दौड़ रहे हैं कर्ज माफी के लिए, या फिर आपको बैंक का कर्ज चुकाना है लेकिन आप चाह रहे हैं कि कुछ उसमें कंपनसेशन हो जाए, तो वो सभी समस्याएं 13 नवंबर के बाद आपके तुला राशि वाले दूर हो जाएंगे। अब यहां पे मैं बात करता हूं दाम्पत्य प्रेम और परिवार की स्थिति की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या हो रहा है, पंचमेश शनि बहुत अच्छे, मतलब आप किसी को प्रेम कर रहे हैं तो आपका प्रेम बहुत जेन्युइन है, लेकिन सामने वाला जो है थोड़ा मुकर रहा है, शादी नहीं करना चाह रहा है, आप लोग के मध्य में मतभेद हो रहे हैं, आप दोनों के मध्य में अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो चुकी है। तो जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को जाएंगे तुला राशि वाले, तो आपके प्रेम संबंध भी ठीक हो जाएंगे। परिवार से मतभेद दुनिया बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वह समस्या 16 नवंबर के बाद ठीक हो जाएंगे। मित्रों से मतभेद, वाणी में कड़वाहट आ चुका, आप नहीं चाह रहे हैं कि किसी को हम खराब बोले, लेकिन आपके मुंह से निकल रहा, तो आपके मित्र भी दूर जा रहे हैं, प्रेम संबंध भी खराब हो रहा है, परिवार वाले लोग भी दूर जा रहे हैं, और नौकरी में भी कलीग लोगों से मतभेद चल रहे हैं, और व्यापार में भी यही हाल चल रहा है आपका। तो तुला राशि और तुला लग्न वाले, जब 16 नवंबर से सूर्य चले जाएंगे धन स्थान में यानी सेकेंड हाउस में, तो आपको इस प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और नए विवाह के भी आयाम प्रारंभ हो जाएंगे। और जिनका ऑलरेडी पहले से दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, वो मंगल के कारण चल रहा है, क्योंकि मंगल वक्री है। तो 13 नवंबर से जब मंगल मार्गी हो जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के मध्य में जो प्रेम की स्थितियां खराब चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के मध्य में विश्वास की स्थितियां जो खराब चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी, और पार्टनरशिप का व्यापार तो ठीक होगा ही होगा। भाई बहनों और रिश्तेदारों की बात अगर करना चाहूं, तो बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से मतभेद तो चल रहे हैं, पिता से भी मतभेद चल रहे हैं आपके, माता से तो तालमेल ठीक है, लेकिन पिता आपकी कुछ बातों को मान नहीं रहे हैं, या पिता से आप दूर हैं। यही नहीं, विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, वीजा नहीं लग रहा है, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, उसके चलते बहुत फ्रस्ट्रेट है, पैसे खर्च हो रहे हैं। तो यह सभी प्रकार की समस्याएं आपके 16 नवंबर के बाद ही समाप्त होंगी, उससे पहले समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक सूर्य प्रबल नहीं होगा इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता ही नहीं मिलेगी।
हालांकि छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। यह महीना जो है नवंबर का संपत्ति के मामले में आपका बहुत ही प्रबल योग है और वाहन के मामले में भी बहुत ही प्रबल योग है। हालांकि वाहन का योग तो दिख रहा है पूरे महीने, लेकिन 17 नवंबर के बाद संपत्ति के भी योग बनेंगे, वाहन का भी योग बनेगा और 20 नवंबर से जब नीच भंग राज योग बन जाएगा ना, तो आप लोग बीच में जो प्रॉपर्टी का लिटिगेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा है, ये आप चाह रहे कि लिटिगेशन कुछ भी बेच बाज के निकल लो यहां से, वह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले, लेकिन कब से, 20 नवंबर के बाद से ज्यादा प्रबल है। हालांकि 17 नवंबर के बाद संपत्ति का योग तो बनेगा ही बनेगा। जिनके संतान करियर को लेकर के चिंतित है, उसके फ्यूचर को लेकर चिंतित है, कहीं से भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 20 नवंबर से संतान का करियर बहुत अच्छा बनने लगेगा। जिन माओं को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान कंसीव नहीं हो रहा है या बच्चा खराब हो जा रहा है, उन सभी प्रकार की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। यह पूरा महीने शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्रोध और वाणी में नियंत्रण जो नहीं है, या इंटरव्यू में जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो मंगल के कारण हो रहा है। तो 13 नवंबर के बाद जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो उस प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, नौकरी में स्थिरताएं भी आ जाएंगी और मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि घरेलू कुछ परेशानियां होती हैं तो उसका प्रोफेशनल लाइफ पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा जो है यह पूरा महीना अगर स्वास्थ्य की बात में करूं तो सूर्य नीच के हैं, मंगल वक्री हैं और शुक्र जो है नीच के हैं, तो सिर दर्द की समस्याएं, पैरों में कष्ट, क्योंकि सूर्य खराब रहेगा तो हड्डियों का रोग तो देगा ही देगा और मस्तिष्क का रोग तो देगा ही देगा। अब मंगल वक्री है तो पेट संबंधित रोग, स्त्रियों को गर्भाशय से रिलेटेड रोग, यूरिन से रिलेटेड रोग, और पुरुषों को जो है पेट संबंधित जनित रोगों से परेशानियां चल रही हैं। जो व्यक्ति हार्ट से रिलेटेड है उन लोगों के लिए समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी। तो यह सारी समस्याएं 13 नवंबर के बाद आपके समाप्त होने चालू हो जाएंगे। फिर भी देखिए 13 नवंबर तक तो समय बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल भी वक्री है और 16 नवंबर तक तो शुक्र नीच के, यानी 16 नवंबर तक अभी समय बहुत बढ़िया नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, 16 नवंबर तक प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके निकलिए, सूर्य को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, केसर चंदन हल्दी का तिलक लगाइए ताकि आपका राहु भी ठीक हो जाए, सूर्य भी ठीक हो जाए, बृहस्पति को भी इसका प्रभाव पड़ना चालू हो जाए, नीच भंग राज योग का जो भी थोड़ा प्रभाव रहेगा, कुत्तों को रोटी दीजिए। आप पूरा सप्ताह अगर स्थिति को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए, कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा है, जितना प्रबल चंद्रमा होगा उतना लाइफ में आगे बढ़िएगा, इससे ज्यादा उपाय करना भी व्यर्थ है क्योंकि इतना से आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तो आज मैंने तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले, नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल आपको बताया, क्या घटित होगा, किस प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए। तो आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो नंबर फ्लैश हो रहा है। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, जिसमें मैं रत्नों का पूरा जानकारी आपको दूंगा A to Z, आप उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।